पिंपल्स क्यों होते हैं? मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, क्यों होते हैं भाई? एक एज आती है वही 12 13 14 साल वाली, 11 12 13 वाली, मतलब ये ट्रांजिशनल स्टेट होती है, ट्रैक चेंज करती है, ठीक है। ट्रेन मतलब आपकी एज, आप एक किस्म जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, प्यूबर्टी वाली स्टेज में एंटर कर रहे हो। उस समय किसी किसी में फ्लक्चुएशन होता है, किसी में फ्लक्चुएशन नहीं होता भाई। कई ट्रेन ऐसी होती है ट्रैक चेंज हो रहा है, स्मूथली निकल जाती है, पता ही नहीं चलता ट्रैक चेंज हो गया, पिंपल्स नहीं होंगे। कई ट्रेन ऐसी होती है हिलती हुई जाती है, नहीं समझ, ट्रैक चेंज हो रहा है तो लग रहा है ट्रैक चेंज हो रहा है, अभी लग रहा है ट्रैक चेंज हो रहा है, तो पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो पिंपल्स जो निकलते हैं बेटा, वो एक तरीके से हार्मोनल क्या होता है, डिसबैलेंस। स्पेशली हम कहते हैं कि यहाँ पर एंड्रोजन का डोमिनेंसी हो जाती है। एंड्रोजन का लेवल जब बढ़ता है, एंड्रोजन तो फीमेल में भी होते हैं, एंड्रोजन का लेवल जब नॉर्मल से बढ़ता है एंड्रोजन का लेवल, तब आपका इम्यून सिस्टम घटता है, ध्यान रखना। अगर आप जिस भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, अगर आप जानते हो एक इलाके को, ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें दादा दादी या नाना नानी में संख्या किसकी ज्यादा है, दादाओं की या नानाओं की, या जो बुजुर्ग मेल हैं उनकी संख्या कंपेरेटिव कम होगी और फीमेल की संख्या ज्यादा होगी जो बुजुर्ग हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल का प्रोटेक्टिंग हार्मोन 45-50 तक तो प्रोटेक्ट करके रखता है एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर भी एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिंग हार्मोन था, आप समझ रहे हो, वो नहीं है तो प्रोटेक्शन कम हो गया, पर हमारा तो दुश्मन हमारे अंदर ही है, कौन, एंड्रोजन। एंड्रोजन दुश्मन होते हैं, इम्यून सिस्टम सप्रेशर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं एंड्रोजन के केस में, पर एंड्रोजन की रिक्वायरमेंट भी होती है, दुश्मन है पर उससे प्यार है, उसके बिना भी नहीं रह सकते, ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर वो डोमिनेंट हो जाएगा तो भी बर्बाद कर देगा, और कम हो जाएगा तो भी बर्बाद हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो उसकी स्मॉल रिक्वायरमेंट फीमेल को भी होती है, तो इसलिए एंड्रोजन एक ऐसी चीज है, अगर हाइपर हो जाए तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो इस एज में, जो एज की बात कर रहे हैं हम आपके लिए, प्यूबर्टी वाली एज, वही 11-12 साल वाली एज जिसमें फ्लक्चुएशन होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, बच्चे खोए खोए रहते हैं, ठीक है, भटके भटके रहते हैं, किसी से डिस्कस भी नहीं करते भाई ये क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये अब की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले की बात कर रहे हैं कि पहले एजुकेशन नहीं थी। अब हम जैसे टीचर आ गए हैं जो आपको अर्ली स्टेज में ही एजुकेट कर देते हैं भाई ऐसा है, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, पर इंडिया के अंदर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, जो भी समझ लो। तो कहीं ना कहीं टीचर का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पर टीचर डरता था, ठीक है, कि बताऊंगा कहीं बच्चा उसको, समझ रहे हो, हा हा ही करके लेना जाए, क्योंकि इमैच्योरिटी, ठीक है। तो धीरे 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 अब मैच्योरिटी आई, ठीक है, टीचर को भी समझ में आया कि इस एज पर इन बातों को बताना जरूरी है, इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किए अच्छे लेवल पर। नहीं तो पहले तो फ्रॉग और, ठीक है, रैबिट पढ़ाए जाते थे, ह्यूमन तो था ही नहीं, ठीक है, हमारे जमाने में। तो आप समझ गए ना मेरी बात, तो चेंज हुए हैं नो डाउट, ठीक है। तो अब सीधी सी बात आती है, तो पिंपल समझ में आए, जब फ्लक्चुएशन होगा और एंड्रोजन डिस्टर्ब होंगे, मतलब नॉर्मल लेवल थोड़ा सा हाइपर हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन होगा, तब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और आपकी स्किन पर बैठा है स्टेप्टो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और ये पायोजेनिक होता है, पस फॉर्मिंग होता है, इसकी वजह से पस का जनरेशन हो जाता है, पिंपल्स बन जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वो कारण वो नहीं है, कॉज वो नहीं है, वो एंड्रोजन, एंड्रोजन एक्चुअली फ्लक्चुएट होने से इम्यून सिस्टम सप्रेस देन इन्फेक्शन, ये है कॉज, ठीक है। तो ये वाली बात एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एकदम क्लियर